बच्चों इधर देखो, जो बच्चे स्लो याद करेंगे उनका हम एक एक काफी देंगे और एक पेंसिल लेंगे। जो जो एक एक स्लो याद करेंगे आज इधर ले, इधर आ जाओ। और जो जय दे रहा था वो कहाँ गया? तुम लोगों को एक एक श्लोक याद करना, ठीक है? रोज रोज एक एक श्लोक इसी में लिखना और हम तुम लोगों को बता देंगे कैसे कैसे श्लोक याद करना। और लड़कियों में कोई है याद करने वाला? जो याद श्लोक याद करेगा उसको ही हम देखें। तुम करो याद, इधर आ जाओ। तुम करे आप, तुम इधर आप, तुम करे मैं जो करेगा श्लोक याद करेगा उनको ही देंगे। कर गए श्लोक याद, कहाँ रहते थे? दिया सब दे दिया, किस पर दिया? क्या श्लोक याद करो? उनको पेंसिल दिया? किसको मिला पेंसिल? और तुम लोगों को हम एक एक श्लोक बताएंगे और वो श्लोक को रखना और आकर के बोलना, ठीक है ना? इसलिए ये वेदों का, भागवत का, उपनिषद का, ये सब शास्त्र का ये श्लोक है, ठीक है? उसको कोशिश करना एक एक ही याद करने के। और एक है, एक है हमारे ग्रेटर नोएडा में एक माता जी है, हमारे बड़ी गुरु जी का शिष्य है, उन्होंने एक कोर्स करवाया जिसका नाम है कृष्ण के और, मतलब हम भगवान की तरफ में कैसे बढ़ सकते हैं, ठाकुर जी की तरफ में कैसे बढ़ सकते हैं, वो ये कोर्स कराएंगे। और उसमें पेपर भी है, उसमें एग्जाम भी है, परमिशन नंबर भी मिलेगा, कौन कितना पढ़ाई किया, कौन कितना याद किया उसको नंबर भी मिलेगा और तुमको उसमें जोड़ने, ठीक है? जानते हो विशाखा दीदी फोन नंबर है? ये दोनों को दे दो, ये तीनों को दे दो, ठीक है? उनका दे देना और वो कुछ दिन बाद में वो कोर्स को करवाएगी, उसको अच्छी तरह से सुनना, ठीक है? और वो भी तुम्हारे पेपर मिलेंगे और मार्क दे देंगे, ठीक है बच्चों? तुम लोगों के लिए भी हमारे और एक प्रभु जी है जयपुर में, सुंदर गोपाल प्रभु जी, वो लड़कों के, लड़के के लिए, ये तो लड़की के लिए अलग है और लड़कों के लिए अलग है, ठीक है? और वो कोर्स में तुम लोग जोड़ जाना, ठीक? जोड़ करके फिर उसको करना, ठीक? चलो आइए। श्यामन आज प्रभु जी, आज प्रभु जी जब ये कथा समाप्त हो जाएगा ना बच्चों, आज जब कथा समाप्त हो जाएगी प्रभु जी आपको एक श्लोक लिखवा देंगे। इन्हें कितने गौरव कथा, गौरव कथा गीता ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीधर गोस्वामीति नामिने। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने। सर्वप्रथम मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद सुदर्शन श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सुदर्श गुरु महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापित करता हूँ और उनसे वांछा करता हूँ कि वो उसके उपरांत यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी हरि कथा विपासु हरि भक्तजन जो अभी श्रवण करने आए हैं उन सबके चरणों में यथा योग्य दंडवत।
हरे कृष्णा सभी को। वैसे तो मेरा योग्यता कुछ है नहीं बोलने के लिए, लेकिन जो भी गुरुदेव ने अहेतु की कृपा हमारे ऊपर की है उसके कारण थोड़ी सी चेष्टा करूँगा, कोशिश करूँगा कि कुछ बोल पाऊँ जो उन्हीं के ही मुखारविंद से हम लोगों ने श्रवण किया है। तो जैसे कि मैं कई दिनों से बता भी रहा था, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के बाल्यकाल की अवस्था से ही बाल लीलाओं को ही मैं बता रहा था आप लोगों को, तो उसी को ही आगे बढ़ाते हुए आज थोड़े से चैतन्य महाप्रभु जो हैं बड़े हो चुके हैं। अभी पहले तो घुटबल चल रहे थे, लेकिन अभी उनकी थोड़ी सी अवस्था बड़ी हुई है। तो जैसे जैसे बालक और भी बड़ा होता चला जाता है, उस प्रकार उसकी जो शैतानी है, चंचलता है, उसका जो स्वभाव है वो और भी ज़्यादा जो है चंचल होता चला जाता है, नटखट होता चला जाता है। तो हम लोगों ने गुरुदेव के मुख से कई बार सुना है कि कृष्ण जो है बाल लीला करते हैं, गोपियों के घर में जाते हैं बार बार माखन चुराने के लिए, और माखन चुराने के बहाने से माखन खा करके उनकी दही की मटकी वगैरह सब कुछ फोड़ देते हैं। कई बार हम लोगों ने ये भी लीला श्रवण की है गुरुदेव के मुखारविंद से कि कृष्ण जो है गोपियों के वस्त्र को चुरा लेते हैं। तो देखो, कृष्ण के चरित्र से तो बाल लीलाओं का जब हम श्रवण करते हैं तो ऑब्वियसली पता ही चल जाता है कि वो कितने नटखट हैं। अब बारी आती है चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को दर्शाया जाए जिसमें वो नटखट पता चले कि हाँ, चैतन्य महाप्रभु भी नटखट लीलाएँ उन्होंने बहुत सारी की हैं। ऐसी बहुत सारी लीलाएँ उन्होंने की हैं, उसमें से आज मैं कोई दो लीला सुनाऊंगा जिसमें ये पता चलेगा कि हाँ, चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं श्री कृष्ण हैं, उन्होंने भी श्री कृष्ण के ही समान नटखट लीलाएं बहुत सारी की हैं। तो एक समय की बात है, बहुत सारी कुछ जो हैं छोटी छोटी कन्याएं जा रही थी, और वो क्या कहाँ जा रही थी, गंगा जी की या फिर पार्वती जी और शंकर जी की पूजा करने के लिए जा रही थी। तो उनके हाथ में बहुत सारी जो है पूजा की सामग्री थी, और फल फूल इत्यादि मिठाइयाँ और माला भी थी उनके हाथ में। तो न जाने कहाँ से उन स्त्रियों को, उन लड़कियों को देख करके जो चैतन्य महाप्रभु है, जो छोटा सा बालक निमाई है, वो न जाने कहाँ से आ जाता है और आकर के उनके सामने बिल्कुल प्रस्तुत हो जाता है, आकर के सामने खड़े हो गए अपने बाल सखाओं के साथ। तो चैतन्य महाप्रभु अब उनसे पूछते हैं, ए और स्त्रियों, ए लड़कियों, तुम कहाँ जा रही हो? तो वो लड़कियाँ उनको जो है हट करके जवाब देती हैं, कहती हैं, हम लोग तो जो है शंकर और पार्वती की जो है पूजा करने जा रहे हैं, और हाँ, गंगा जी की भी जो है हम पूजा करने जा रहे हैं। तो निमाई देखिए क्या उत्तर देते हैं, एकदम झटके उत्तर देते हैं, अच्छा, तुम गंगा जी की और शंकर जी की पूजा करने जा रहे हो? शंकर तो मेरा दास है और पार्वती भी मेरी दासी है, और एक तरह से तो गंगा जी भी मेरे ही चरणों की दासी है, तो फिर तुम उन्हें क्यों पूजने जा रही हो, तुम मुझे ही पूज दो ना। तो उठा करके उनकी जो जो टोकरी ले रही थी जिसमें वो पूजा की सामग्री ले रखी थी, उसमें से माला उठाई और स्वयं अपने गले में डाल ली चैतन्य महाप्रभु ने। देखिए कितने नटखट हैं वो, और उन्होंने उनकी माला को छीन करके उसमें से डाल, तो सारी लड़कियां वो बोलने लगी, अरे ये आपने ये क्या किया, ये तो हम जो है पूजा की सामग्री गंगा जी को और शंकर जी को अर्पित करने जा रहे थे, आपने ये क्या किया? तो वो कहते हैं, शिव मेरा दास से बता दिया उन्होंने, वो कहते हैं, अतः तुम मेरी ही पूजा कर लीजिए, और अगर तुम मेरी पूजा करोगे तो पता है तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, मैं तुम्हें एक वर दूंगा। और इतना कहकर के निमाई उन लड़कियों से पूजा का सामान छीन लेते हैं। जब निमाई ने उन लड़कियों से छीना सामग्री, तो कुछ लड़कियों ने बचा करके अपने आप को भागने की कोशिश करी, वहाँ से सोचा कि कुछ हम तो बच जाएँ और सामग्री हमारे हाथ में रह जाएगी, हम जा करके पूजा कराएंगे। तो कुछ जो है लड़कियाँ वहाँ से भागने शुरू कर देती हैं, तो निमाई चिल्लाते हैं, अरे ओ ए दीदी, ए रुक जा, इस तरीके से करके कहते हैं, और जितना तू भागेगी ना उतना ही बूढ़ा पति मिलेगा तुझे, देख ले, तेरे को 7-7 सौ उतने मिलेंगी जितना दूर जाएगी, और इस तरीके से कह करके उनको रोकने की कोशिश करते हैं। तो कुछ जो कन्याएं थी वो उसमें से रुक जाती हैं, और रुक करके फिर क्या करती हैं, वो स्वयं निमाई के पास आती हैं, और निमाई के पास आकर के कहती है, लो जो भी तुम चाहते हो, वो सारी की सारी जो सामग्री थी पूजा की सामग्री, वो सब जो है वो चैतन्य महाप्रभु को देती हैं। इसमें फिर पता चलता है, अब क्या कहते हैं नटखट निमाई इन सारी बातों को सुनकर के बहुत जो है प्रसन्न होते हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने उनके सभी नैवेद्य को खा करके जो उनको आशीर्वाद दिया, अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, और उनसे कहा, अब तुम चिंता मत करना, तुम्हें बहुत सुंदर पति मिलेगा। इस तरीके से कह करके वो बहुत ज़्यादा उनसे नटखट की लीलाएं वहाँ पर करते हैं। एक तो ये लीला थी जिसमें ये दिखाया दिया है कि चैतन्य महाप्रभु कितने नटखट थे, कि कैसे उनसे झपट करके और उन्होंने उनकी ही सामग्री को फिर इस्तेमाल किया। एक और इसी तरीके की घटना चैतन्य महाप्रभु के ही बाल्यकाल से आती है,
एक समय ऐसा हुआ कि श्री जगन्नाथ मिश्र ने बालक निमाई से थोड़ा सा परेशान होकर के कह दिया कि कल से तेरा जो है स्कूल में जाना बिल्कुल बंद हो गया, विद्यालय नहीं जाओगे तुम अब से। तो अब देखो जब एक बालक जो है स्कूल नहीं जाएगा, कुछ समय तो कट जाता है कम से कम स्कूल में, अब वो घर रहने लगा सारा दिन, तो उसकी शैतानियाँ और भी ज़्यादा जो है बढ़ने लगी। अभी देख रहे हैं आप लोग भी लॉकडाउन में सब बच्चे घर में ही हैं, सब माता पिता परेशान हैं, उनसे चाह रहे हैं कि कब स्कूल खुले और कब वो जो है स्कूल में जाएं। तो इस तरीके से जगन्नाथ मिश्र जी ने चैतन्य महाप्रभु का स्कूल जो है जाना बिल्कुल बंद करा दिया, और बंद करा करके अभी बाल निमाई जो है वो घर में ही हैं, और उनकी शैतानियाँ दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही हैं कि आस पड़ोस में से मोहल्ले में से उनकी शिकायतें उनके घर पर रोज़ आना आती हैं। तो एक दिन क्या करते हैं निमाई जो हैं, अपने कुछ दोस्तों को कहते हैं आओ चलो कुछ जो है नटखटपन करते हैं, कुछ लीलाएं करके देखते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, घर से चले जाते हैं, और घर से जाने के बाद किसी के घर में घुस जाते हैं, और घर में घुस करके उनकी सारी की सारी जो माखन की हंडी थी वो उसमें से माखन को लिया और उसको तोड़ दिया, उनके घर में बहुत और भी जो है तहस नहस किया, उनके बहुत सारे सामान को जो है तोड़ फेंक दिया। कभी कभी तो वे इतने चंचल हो जाते हैं कि दिखाते हैं कि कुछ बालकों को लेकर के रात के समय में चल पड़ते हैं, कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और कहीं चलो टोली बना करके, और अपने शरीर को क्या करते हैं कंबल से ढक लेते हैं ताकि कोई उनको पहचान ना पाए कि वो कौन है, और नहीं तो आकर के फिर मैया या बाबा को जो है शिकायत होगी। तो उन्होंने क्या किया, अपने सारे सखाओं को कह दिया कि भाई तुम सब अपने शरीर पर कंबल ओढ़ लो, और ऐसे चलने लगे जैसे कि रात के अंधेरे में कोई जानवर चल रहा हो। और चलते चलते जा करके बंगाल में तो आपने देखा है केले के बहुत सारे बगीचे हैं, बागान है उधर, और जा करके उस केले के बाग में घुस गए, केले के केलों को भी खाया और केले के बाग को भी नष्ट कर दिया। जब नष्ट करने की आवाज़ हुई तो आस पड़ोस में हल्ला मच गया, अरे भैया कोई कुछ लगता है पशु जो है आवारा पशु आकर के और हमारे बगीचों में घुस गए हैं। तो लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, अरे लाठी लाओ डंडे लेकर के आओ, कुछ पशु जो है आ गए हैं और वो हमारे खेतों को बागानों को नष्ट कर रहे हैं। जब निमाई ने सुना और उसके बाल सखाओं ने सुना, उनके दोस्तों ने सुना, तब सब वो सोचे अब तो हम पकड़े जाएंगे, जल्दी जल्दी से यहाँ से जो है 9-2-11 हो जाओ भागना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पर भी नटखट लीलाएं अपनी प्रकाशित की हैं। इसके बाद फिर कहते हैं कभी बालक जो निमाई है अपने सखाओं के साथ मिलकर के किसी घर का दरवाजा बंद कर देते हैं, बाहर से गए और छुपके से उसके दरवाजे की कुंडी लगा दी। मान लीजिए रात भर कुंडी लगी रही तो कोई बात नहीं, कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन जब सुबह होगी तो आदमी सोच क्रिया के लिए बाहर जाना चाहेगा, तो अब वो बेचारे दरवाजा खोले, वो दरवाजा खोले ना, वो फिर खोल करके देखे लेकिन वो खुल ही नहीं रहा क्योंकि बाहर से तो निमाई ने कुंडी लगा रखी है। तो वो चिल्लाते हैं अरे भाई कोई है क्या आसपास में, दरवाजा खोल दो दरवाजा खोल दो। तो उनकी आवाज़ को सुन करके मोहल्ले वाले लोग आते हैं, अरे क्या बात होगी क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रहा है। तो कहता है अरे पता नहीं भैया हमारी किसने कुंडी लगा दी और हमें तो सोच के ले जाना था। तब वो आस पड़ोस के लोग जो है समझ जाते हैं कि ये जो है शैतानी निमाई की योगी वही इतना चंचल है, वही इतना नटखट है। वो आकर के उनकी कुंडी को जो है खोल देते हैं, और फिर तब वो क्या है निमाई इतने में वहाँ से भाग जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं आज तो भैया इस निमाई ने हद ही कर दी, चलो सची माता के आंगन में चलते हैं और जगन्नाथ मिश्र को जो है इसकी शिकायत हम वहाँ पर करेंगे। और वो जा करके जगन्नाथ मिश्र से कहते हैं बाबा तेरा जो ये लाला है ना ये बहुत ही ज़्यादा नटखट हो गया, शैतानी करता फिरता है, तो इसे तो समझा ले। तो जगन्नाथ मिश्र जी पहले से भी बहुत सारे उल्हाने उनके पास आए हुए होते हैं, तो वो शर्मिंदा हो जाते हैं, कहते हैं हाथ जोड़ करके कि भैया आप जो है इसे माफ़ कर दीजिए। लेकिन लोग क्या करते हैं सिर्फ जगन्नाथ मिश्र जी से शिकायत कर रहे हैं, वो चैतन्य महाप्रभु से कुछ भी नहीं कहते। भागवत कथा कर रहे थे, होगी कृष्ण ऐसे बचपन में स्मरण करते थे, हैं कृष्ण भी ऐसे बचपन में नटकर क्या करते थे, लेकिन वो बैठ करके कौन सुनते थे, लुप्या परासर नारद बड़े बड़े ऋषि लोग बैठ करके वो कथा सुनते थे,
और कथा सुनते सुनते सबके साथ क्या करते थे आप सर? कथा सुनते समझते थे क्योंकि ठाकुर का लीला है। देखो यही कथा जब आप साधारण किसी बच्चे का नटखट का कुछ सुनेंगे, अगर सुनेगा तो क्या होगा, हमको बंधने की प्रार्थना, संसार के चक्कर में जैसे श्री भरत महाराज अंतिम समय में हिरणों को चिंतन करते करते हिरण बन गए, हैं? हिरण को चिंतन करते करते हिरण बन गए, लेकिन जैसे अभी महाप्रभु कथा सुन रहे थे हमें भी हंसी आ रहा था, यही साधारण बच्चे जैसे कृष्ण महाप्रभु नटखट सुन करते हैं, लेकिन उसको सुनने से क्या होगा, हमारा जो चित्त है किसमें लगेगा, भगवान में लगेगा चित्त। अगर भगवान में अगर हमारे चित्त लग गए तो हमारी भिड़ा पार हो जाएगा। इसलिए हमारे ब्रह्म सूत्र में एक श्लोक आया है, लोकोगत लीला कैवल्यम, भगवान कैसे लीला करते हैं, साधारण इंसान साधारण बच्चे जैसे लीला करते हैं ठाकुर जी ऐसे ही लीला करते, बोले ऐसे लीला क्यों करते हैं, बोले कारण है जब ये कथा को सुनेंगे ना हमारी भी चित्त उसमें लग जाएगा, क्योंकि साधारण बच्चे जैसे प्रभु लीला, लेकिन बच्चे जैसे तो लीला की, लेकिन इसको श्रवण करने से क्या होगा हमें, ये बाबा सागर से हमें उद्धार होगा। इसलिए भगवान एक साधारण इंसान जैसे ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि जी की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाल्लये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमे ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त शिशुधर गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्री नारायण गोस्वामीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्चयुक्तम वरम वरेण्यम प्रसम्मान्तम नारायण तुम शिक्षा नमामि। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुदेव पूज्य पाद प्रिवचकाचार्य तिदंडी स्वामी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दनुभियाँ अर्पित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी और नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति परम गुरुदेव महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में दंडवत प्रणाम करते हूँ। उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णवजन भक्तवृंद माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में यथे योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्ण। जैसे कि हम आप सब यहाँ पे आए, हम सब यहाँ पे आते हैं, क्यों आते हैं कि जिससे कि हमारी भक्ति बढ़े, जिससे कि हम भक्ति के और नई नई चीज़ों को हम सीखें, उन्हें ग्रहण करें और हमारी भक्ति बढ़ जाए। श्री गुरुदेव के आने का यहाँ पे उद्देश्य क्या है? यही तो उद्देश्य है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं उसे और अच्छे से करें और भक्ति का प्रचार हो, भक्ति बढ़े। तो हम क्या करना है कि भक्ति हमारी बढ़ जाए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी भक्ति बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? तो इसमें श्री रूप गोस्वामी जी उपदेशामृत में कहते हैं, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। फिर कहते हैं, संगत्यागा सतो वृत्ति सर्वविभक्ति प्रसिद्ध्यति। इसमें बताया है कि भक्ति की जो बढ़ती है ना उसके छह लक्षण हैं। सबसे फर्स्ट कहा गया है उत्साह। देखो अगर हमारा उत्साह होगा, हमें कथा सुनने की इच्छा है, तभी तो हम सब क्या है टाइम देख के वहाँ से अपने कथा के लिए भागते हैं। तो माला करने का उत्साह, ऐसे ही श्री गुरुदेव के दर्शन करने का जो हमारा उत्साह है, श्री विग्रह के दर्शन करने का उत्साह, इस उत्साह को लेकर क्या करना है हमें, अपने उत्साह को कभी भी शिथिल नहीं पड़ने देना, कभी भी मंद नहीं पड़ने देना। हम अगर इसमें आलस्य करेंगे तो यह उत्साह क्या होगा, उदासीन हो जाएगा, फिर इससे भक्ति नहीं होगी, फिर इसमें आलस बढ़ता जाएगा। तो हमें उत्साह पूर्वक क्या करना है, इस भक्ति को बढ़ाना है। जैसे कि उत्साह का मतलब क्या है, उत्साह का अर्थ है श्रद्धा ही इसका जीवन है। श्रद्धा, श्रद्धा का तात्पर्य है किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति क्या है, दृढ़ विश्वास, और संशय का नाश ही श्रद्धा है। जैसे कि हमें कोई बीमारी हो गई और हमें किसी ने बताया भैया वो डॉक्टर बहुत अच्छा है तुम उसके पास चले जाओ, तो उससे क्या होगा, वो तुम्हारा इलाज
बहुत अच्छे से कर देगा और बीमारी से मुक्त कर देगा। तो ठीक है, हम उसके पास चले गए और उसने बताया कि अब तो तुम्हारा ऑपरेशन होगा क्योंकि बीमारी बहुत बड़ी है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब वो जो डॉक्टर है, क्या वो बिना उजाला के ऑपरेशन कर देगा? उसे तो औजारों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसने क्या किया, वे औजार जिस औजार से वो हमारा गला भी काट सकता है, हमें ख़त्म भी कर सकता है, उसी औजारों के द्वारा उसने क्या किया, हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। तो क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर अपनी श्रद्धा दे दी, हमने अपने शरीर को वहाँ पर ऐसे छोड़ दिया। हमें पता है, कन्फर्म है कि ये डॉक्टर हमें सही कर देगा। और श्री गुरुदेव क्या कर रहे हैं, श्री गुरुदेव यहाँ पर आकर हमें बार बार वो बहुमूल्य रत्न जो कि हम कभी ध्यान नहीं करते, उनको कभी ग्रहण नहीं करते, उस रत्नों को हम पर लुटा रहे हैं। तो क्या हम उनको ग्रहण करने की इच्छुक नहीं हैं? तो हमें क्या करना है, उनको ग्रहण करना है। गुरुदेव बार बार कहते हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गति रम्यता, कि इस कलयुग में भव सागर से पार उतरने का कोई भी उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। केवल एकमात्र क्या है, हरि नाम ही है, हरि नाम ही है और हरि नाम ही है। देखो जिस प्रकार हम, ये भवसागर कैसा है, इसमें कहा संसार दावानल, दावानल के समान है कि जिसमें भीष्म आग लगी हुई है, लेकिन हमें तो वो आग महसूस ही नहीं होती, हमें तो पता ही नहीं लगता। हम तो यहाँ पे देख रहे हैं दिन कट रहा है, रात कट रही है, हमें तो उस चीज़ का एहसास भी नहीं है। क्यों, जो चार प्रकार के लिए, तीन प्रकार के जो ताप हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, जो हमें रोज़ दिन दिन हमें परेशान कर रहे हैं, हम उस ताप से घिरे हुए हैं। लेकिन इस भवसागर से श्री गुरुदेव हमें कैसे पार कराते हैं, जिस प्रकार गाय होती है ना, गाय का खुर होता है, उस खुर के में एक बस पानी भर दो तो एक छोटा बच्चा उसको क्या करेगा, एक छोटे से पैर पार करेगा और पार कर लेगा। ऐसे ही इस भवसागर को जो हम पार करेंगे ना, हमें पता भी नहीं लगेगा, अनायास ही हम इस भवसागर को पार कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, श्रद्धा उत्साह अपना बनाए रखना है, किसी भी कार्य करने को हमें उत्साह के साथ करना है। तो सेकंड आता है निश्चयात्, निश्चय के मतलब क्या है, उसमें दृढ़ता, निश्चय करना कि हमें उस कार्य को करना ही करना है। एक जैसे कि हमने क्या करा, श्री हरिदास ठाकुर हैं, श्री हरिदास ठाकुर ने क्या करा, वे मुसलमान कुल के थे, मुसलमान कुल के होने के बाद क्या हुआ, उनको है ना बहुत ही दुखों को सहना पड़ा, सांसारिक दुख है उनको, क्या करा उन्हीं के लोगों ने क्या कहा कि तुम हिंदुओं का नाम ही हरे कृष्णा क्यों करते हो, तुम कुरान पढ़ो, ये पढ़ो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं हरिनाम ही करूँगा। उन्होंने बोला कि चाहे मेरे शरीर के खंड खंड कर दी जाएँ, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएँ, तब भी मैं हरिनाम को नहीं छोड़ूंगा। ऐसी दृढ़ता, ऐसा निश्चय हमें करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, आज गुरुदेव से हरिनाम लिया, घर पे जाके अच्छे से दो माला करी, माला खुंटी पर टांगी और बाजार के लिए निकल गए। किसी कारणवश हमारा जो प्रारब्ध था वो हमारे आगे आ गया और बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ और उस भयंकर एक्सीडेंट में क्या हुआ, हम उठे फिर भी अपने आप से ही चल के घर आ गए। घर आके याद किया, अच्छा आज तो मैं गुरुदेव के पास गया था और हरिनाम लेके आया था, मुझे रोज तो कुछ नहीं होता था लेकिन हरिनाम करा ना तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो बस माला टांगी खुंटी पे, कंठी मंठी उतारी, जयराम जी करी और अपना आगे बढ़ गए। नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमारा एक्सीडेंट कितना तगड़ा था, उसमें कुछ भी हो सकता था, हमारा हाथ टूट सकता था, पैर जा सकता था, आँख फूट सकती थी, कुछ भी हो सकता था, ऐसी अवस्था भी हो सकती थी कि शायद हम बिस्तर से उठे ही ना या हमें मौत ही मिल जाए। लेकिन हमने क्या सोचा, नहीं नहीं हरिनाम करा ना तो शायद उसके कारण ही हमें ऐसा हुआ, ऐसा विचार नहीं करना। ये देखना है कि इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद भी अगर मैं बच के आ गया तो ये उस हरिनाम की कृपा है, श्री गुरुदेव की कृपा है। ताकि कहते हैं ना कि जहाँ पर पैर कटना होता है ना, और अगर हमने ये हरिनाम श्री सदगुरु के से ले लिया तो वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ सुई चुभ के हमें छोड़ दिया जाता है। लेकिन प्रारब्ध तो हमारा है, वो तो हमें काटना ही पड़ेगा, इसलिए हमें क्या करना है, उसे पक्का रखना है। जैसे बहुत से कहते हैं कि हमारे घर वाले ना हमें भक्ति नहीं करने दे रहे, या फिर हम करते ना तो ऐसा कहते हैं। तो भैया तुम प्रहलाद महाराज जी को याद करो, उनके तो स्वयं के पिता ने उनको कितने दंड दिए, कितना उनको परेशान किया, यहाँ तक कि मारने तक की भी कई बार सजा दी, तो क्या श्री भगवान ने उन्हें बचाया नहीं? हरिदास ठाकुर ने कितने दुख सहे, तो क्या उन्होंने हरिनाम करना छोड़ दिया? हमें हरिनाम नहीं छोड़ना है, बल्कि हरिनाम को क्या करना है, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा होता है
जब वो छोटा होता है वो सिर्फ दूध पीता है, धीरे धीरे वो रोटी पे आता है, पहले छोटा सा एक टुकड़ा, फिर आधी रोटी, फिर पूरी रोटी, करते करते उसकी खुराक 4-5 रोटी की हो जाती है। इसी प्रकार हमें क्या करना है, हमें हरि नाम को सिर्फ 2 माला पे नहीं रोकना है, हमें क्या करना है उसे धीरे धीरे निश्चय करके उसमें पूरा विश्वास करके दृढ़ विश्वास के साथ उसे दिन में दिन बढ़ाना है। ऐसा करते करते हमारे क्या होगी, उत्साह के साथ निश्चय भी पक्का हो जाएगा। फिर बताया धैर्यता, धैर्यता का मतलब है बहुत से लोग होते हैं कि आज ही हरि नाम लिया और आज ही क्या कहते हैं गुरुदेव हमने हरि नाम तो ले लिया, करते भी हैं पर कुछ हो रहा नहीं है, पर कुछ हो रहा नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा। जैसे कि तुम्हें अगर आम खाने हैं और सोचते हो कि आम का पेड़ हो और मैं आम खाऊं, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, पहले मार्केट जाओगे, बीज ले कर आओगे, उसे ज़मीन में बोओगे, उसका सिंचन करोगे, तो क्या तुम्हें हाथों हाथ आम मिल जाएगा, हाथों हाथ उसका फल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ऐसे ही उस पेड़ को धीरे धीरे सींचते क्या होगा, एक दिन वो इतना मजबूत, इतना विशाल वृक्ष हो जाएगा ना, उसमें बड़े सुंदर सुंदर आम लगेंगे, तब तुम उसको ग्रहण करोगे। तो किस कैसे हुए, धैर्यता के साथ। इसमें श्री रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि जिस तरह की एक लड़की है, उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद उसको शिशु की इच्छा हुई कि अब मेरे बालक हो जाए, तो क्या उसकी इच्छा करने से उसके बालक हो गया, नहीं होएगा। क्यों, क्योंकि पहले उसे करना पड़ेगा अपने पति की सेवा करनी पड़ेगी, फिर कभी उसको गर्भ धारण होगा, फिर एक निश्चित समय धैर्यता के साथ क्या होगा जब वो अपने शिशु को जन्म देगी। तो हमें यहाँ पे क्या रखना है, धैर्यता को रखना है। इसी प्रकार जो हमारा ये इसमें एक छोटी सी कथा और आती है कि एक बार ना एक शिष्य ना गुरुदेव के पास गया, एक व्यक्ति गुरुदेव के पास गया, उसने कहा कि गुरुदेव मुझे ना आप अपना शिष्य बना लो। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा, लेकिन तुम शिष्य बनना क्यों चाहते हो। उसने कहा कि गुरुदेव मुझे है ना परम सत्य को जानना है कि परम सत्य क्या है। तो गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव ने उससे कुछ नहीं बोला, उससे कहा ठीक है तुम एक काम करो, रसोई में यहाँ पे सुबह रसोई करनी होती है, ठाकुर जी का प्रसाद, संतों का प्रसाद बनता है, उसके लिए ना तुम चावल की जो मुंजी है ना उसको कूट कर चावल निकाल दिया करना, और रसोई से पहले पहले। तो उसने कुछ नहीं कहा, जबकि गुरुदेव ने शिष्य नहीं बनाया, हरि नाम नहीं दिया, कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने क्या करा, गुरुदेव की आज्ञा को मान लिया, और मानने के बाद क्या किया, उसने जाके वो रोज़ चावल को कूटता, मुंजी को कूटता और चावल बनाता, वो भी रसोई बनने से पहले पहले, करते 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 उसने कभी कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि उसका काम ही ऐसा था कि उसको समय नहीं मिलता, यहाँ तक कि वो कथा भी नहीं सुन पाता था, फिर भी उस सेवा में लगा रहा। करते करते ना उसकी 18 ईयर्स बीत गए। बीतने के बाद ना तो लेकिन उसने अब तक गुरुदेव ने उसे हरि नाम नहीं दिया, शिष्य नहीं बनाया, फिर भी वो अपनी सेवा को करता रहा। तो गुरुदेव ने देखा कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब मुझे क्या करना है, अपने शिष्यों को बुला के ना आगे के लिए विचार करना है। तो उन्होंने क्या किया, गुरुदेव ने सब शिष्यों को इकट्ठा किया जो भी उनके शिष्य थे, और उसको ही बुलाया जो व्यक्ति मुंजी काट के चावल करता था, उसको ही बुलाया। तो कह रहा मैं तो अभी सेवा में लगा हुआ हूँ। तो गुरुदेव ने कहलवाया कि नहीं नहीं मैंने बुलाया है, आ जाओ। तो व्यक्ति उस सेवा को छोड़कर वहाँ पर आ गया। तो सब बैठ गए। अब गुरुदेव ने क्या किया, एक ब्लैक बोर्ड था उसके ऊपर है ना बोल दिया कि इसमें ना जिस जो भी तुमने सीखा है सत्य के, प्रेम सत्य के बारे में, उसके बारे में तुम इसमें लिखो। तो सब बड़े बड़े पंडित, सब बड़े बड़े जो करते थे, उन्होंने सब वेद वेदांत सबके बहुत कुछ उसमें लिखा, और वो शिष्य आराम से बैठा है। तो गुरुदेव ने कहा क्यों भाई तुम कुछ नहीं लिखोगे। अब उसे कहना तो चाहिए था कि गुरुदेव तुमने तो मुझे कुछ दिया, हरि नाम दिया ही नहीं, कब आप हरि नाम दोगे, कब मैं कुछ करूँगा, कब जाके मेरा कुछ होगा। उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, उसकी इतनी धैर्यता थी, उसने कुछ भी नहीं बोला। उसने कहा गुरुदेव ठीक है मैं लिखता हूँ जो आज्ञा। ऐसा कह के उसने पेन उठाया और लिखना शुरू करा कि जब मैं आया था तो मैं सत्य क्या है मिथ्या क्या है मैं इसको सोचता था, लेकिन अब सत्य क्या है मिथ्या क्या है इसको सोचने के लिए मेरे पर रहा ही नहीं, क्योंकि सत्य के सिवा कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं सोचूंगा क्या, अब सत्य को छोड़ के कुछ अवशिष्ट नहीं रहा है। तो श्री गुरुदेव ने उसको उठा के अपने हृदय से लगा लिया। तो ऐसे ही धैर्यता, हमें धैर्यता के साथ क्या करना है, जो भी हमें ये भक्ति के अंग मिल रहे हैं, माला करना, जाप करना, आनिक करना, जो भी है उसको धैर्यता के साथ पालन करते रहना है। फिर इसमें बताया तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। तो इसमें बताया कि जो जो भी कर्म श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए करे जाते हैं उनको करते रहो, जो जो भी कर्म श्री गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए उनको करते रहो। कैसे, जैसे कि कथा सुनना, हरि नाम करना, कीर्तन करना, 81 व्रत पालन करना, जो भी हमारे ये सब कर्म है, तुलसी की पूजा करना, परिक्रमा करना, इन सबको
करते रहो। ऐसा करने से क्या होगा, हम श्री गुरुदेव को, श्री भगवान को प्रसन्न करेंगे। फिर बताया आगे संगत त्यागा, इसमें कहा संगत त्यागा, संगत त्याग कैसे करना है, जिस संसार में हम रह रहे हैं, जो हमें भगवान की ओर जाने से रोक रहे हैं, जो हमें श्री भगवान की ओर तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं, उनका क्या करना है, हमें त्याग कर देना है। कैसे कि उनसे क्या करना, अपनी गुड़ बातें नहीं करनी है, उनसे सिर्फ उतनी बातें करो जितनी जरूरत है, उससे एक्स्ट्रा नहीं करनी है, और अपनी भक्ति पे हमें ध्यान देना है। फिर कहा गया कि सतोवृत्ति, और हमें करना क्या है, जो भी हमारे लिए अनुकूल है, जो भी हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है, उसमें हमें क्या करना है, उसकी तरफ ही हमें अग्रसर होना है। श्री गुरुदेव के मुखारविंद से हमारी कथा सुनना, वैष्णवों के संग करना, ये सब क्या है, मंदिर आना, सब कुछ सेवा करना, ये सब हमें करना है। तो ये 6 लक्षण इसमें बताए गए हैं। फिर कहा गया है सर्वीर भक्ति प्रसिद्धते, जो भी ये 6 लक्षण करता है तो वो उसकी भक्ति क्या है, वो बढ़ती है। हरे कृष्ण वांछा कर्तव्य कृपा सिंधु देव चय पैतानाम पावनी भी वैष्णव भी नमो नमः। ओम अज्ञानमानस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरूप मिलितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम, तत्पश्चात उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णव के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम। गुरुदेव का आदेश है कुछ कहने के लिए। तो एक मैंने अभी कथा सुनी थी तो उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि लाइफ में जो चांस मिलते हैं ना, 2 चांस मिलते हैं और एक सेकंड चांस है ना, वो सक्सेस कैसे करा जाएगा उसके बारे में। फर्स्ट चांस तो शायद किसी को ऐसा ना हो, ना मिला हो। भगवान राम ने कहा कि रामायण में कि मान बड़े भाग्य मानुष तन पाया, जिसने मनुष्य तन पाया ना उसने एक चांस पा लिया। क्योंकि हम भगवान से प्रार्थना करके आते हैं जब माँ के घर में होते उल्टे लटके होते हैं कि जब मैं मृत्यु लोक में जाऊँगा ना तो प्रभु मैं आपका ही भजन करूँगा, इसके अलावा मैं कोई दूसरा ऐसा कार्य नहीं करूँगा। लेकिन जैसे हम मृत्यु लोक में आते हैं सब उल्टा शुरू हो जाता है। तो एक चांस तो हम सब पा चुके हैं, लेकिन सेकेंड चांस जिस प्रकार राजा दशरथ ने सुमन जी से कहा था कि राम को थोड़ा दूर तक लेके जाओ और वापस ले आना, लेकिन भगवान ने उनको इतनी मीठी मीठी बातें बताई और सुमन जी वापस अयोध्या की तरफ चल दिए। जब अयोध्या की सीमा पर थे तो रथ को रोका और रोए, खूब रोए कि मैंने ये क्या कर दिया, भगवान की मीठी मीठी बातों में आके मैंने ये चांस खो दिया। मुझे महाराज जी ने कहा था कि राम को लेके आना, लेकिन मैंने ये क्या किया। तो बहुत रोए कि मैं महाराज जी का कैसे सामना करूँगा। और एक चांस मिला था कन्नौज के एक ब्राह्मण, शायद सब जानते होंगे उनका नाम, कोई जानता है, अजामिल को चांस मिला। जो उसने पहला चांस था वो एक वेश्या के चक्कर में काम के वसी को धोकर खो दिया। सेकंड चांस जब गांव में सदगुरु संत आए तो संतों ने पूछा कि यहाँ कोई ऐसा घर है जो संतों की सेवा जहाँ हम ठहर सकते हों, तो गांव के थे कि इनको वहाँ इनकी सेवा कराई जाए, क्या एक अजामिल है उसके यहाँ पहुँचाओ, वो बहुत सेवा करते हैं। उस दौरान अजामिल गया था बाहर, तो पत्नी थी जो गांव वालों ने भेजा था संतों की कि इनकी आज अच्छी मरम्मत होगी। लेकिन सदगुरु के क्या लक्षण है, सदगुरु को देखते ही उनकी सेवा करने का मन होता है, श्रद्धा अपने आप जाग जाती है। उनकी सेवा की, जब अजामिल के घर पहुंच गए, उनकी बहुत अच्छे सेवा करी संतों की। जब वो जाने लगे कि हम आपको क्या दे सकते हैं, संतों तो आशीर्वाद ही दे सकते हैं, तो अजामिल की पत्नी की गोद में बच्चा 6 महीने का, तो सोचने लगा शायद इनके पुत्र का होगा, बेटे का होगा,
क्योंकि अजामिल की उम्र 84 साल और पत्नी की लगभग 80 होगी, तो अंदाजा ये लगता है कि बच्चे का होगा। लेकिन उसने बताया कि ये मेरा ही पुत्र है। क्या इसका कुछ नाम रखा? क्या नहीं, अभी तो नाम नहीं रखा। चलो तो हम आपको जो हम देते हैं इसका नाम रख देते हैं। उसका नाम रखा नारायण। संतों के जाने के बाद अजामिल आता है, पता चला कि संत आए थे घर पे, तो दौड़ा दौड़ाया कि कुछ लेके तो नहीं गए, कुछ लेके तो नहीं गए। कहने ना सब ठीक है, हम प्रॉफिट हमें कुछ देके गए हैं। कि क्या देके गए हैं? कि जो बेटे का नाम है उसका नाम नारायण उन्होंने रखा है। अच्छा नारायण, तो छोटे बेटे से अजामिल की इतनी आसक्ति थी, तुतली भाषा में बात करता था, तो जब तुतली भाषा में बच्चा बात करता है तो और ज़्यादा हो जाती है उससे लगा। तो हमेशा वही अजामिल खाना खाया, अजामिल ने पानी पिया, अजामिल मेरे लिए पानी लिया, तो हमेशा वो अजामिल हम हाँ सॉरी नारायण नारायण करता था। तो जब अंत समय आया तो यमदूत चारों तरफ खड़े हो गए, जब उसके प्राण खींचने लगे तो इतना घबरा गया वो उनको देखा, क्योंकि उनकी तो आंखें भी इतनी बड़ी बड़ी लाल और अजीब सा पहाड़ जैसे हुए यमदूत, तो वो डर गया। तो उसमें क्या अंत में क्या निकला कि नारायण। तो जो दूत थे यमदूत वो रुक गए कि ये तो नारायण का भक्त है, इसको तो हम हाथ नहीं लगा सकते। तो उसी जैसे ही नारायण कहता है तो नारायण के दूत भी वहाँ पहुँच गए, तो आपस में बहुत झगड़ा हुआ। तो इसी प्रकार सेकंड चांस सक्सेस हुआ अजामिल का, वो सेकंड चांस हम कर सकते हैं और हमें अवसर दिया गुरुदेव ने, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और लाभ ज़रूर लें, क्योंकि गुरुदेव के चरणों में आकर हमें ये चांस मिला है, ये अगर निकल गया तो शायद फिर कभी मिले। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय हेगला तद्भक्ताय नमो नमः। जल जाले श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। सब एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम ठीक कह दो तुम कहो, सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोतर सतश्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोतर सतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी भक्तों को चरण में यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु कथा श्रवण कर रहे हैं। सवेरे हम लोग ने श्रवण किया था चैतन्य महाप्रभु का, जो बड़े भैया का नाम क्या था? विश्वरूप। ये विश्वरूप पढ़ता था अद्वैत आचार्य गुरु का टोल में पढ़ते थे। ये अद्वैत आचार्य ये सदाशिव ये महाविष्णु है। हर समय उन्होंने भगवान की भक्ति पर के व्याख्या करते थे। गीता भागवत वेद रामायण पुराण इस सब शास्त्र को पढ़ाया करते थे। जब पढ़ाया करते थे अगर हम सारे शास्त्र को मंथन अगर करेंगे तो जैसे दही को मंथन करने से जैसे उसमें मक्खन निकलता है, अगर सारे शास्त्र को मंथन करोगे तो उसमें एक ही चीज़ निकलेगा। बोले क्या निकलेगा? यदि जो मानव शरीर भगवान हमें दिया है ये साधारण जन्म नहीं है। इसलिए भगवान राम भी कहते हैं अयोध्या वासियों को देत इस
बिनु हेतु सनही। भगवान हमें ये जो मानव शरीर दिया है वो अहेतु की कृपा करके हमें ये मानव शरीर दिया, और ये जो मानव शरीर नहीं कद लभ सुदुर्लभ मिदंग बहु संभवते। कृष्ण भी एक ही बात कहे, राम जो कह रहे हैं वो कृष्ण भी वही बात कह रहे हैं उद्धव जी को, हे उद्धव जी ये जो मानव शरीर केवल दुर्लभ नहीं बोले सुदुर्लभ, सहज में ये जीवन मिलता नहीं, बाई चांस कैसे ठाकुर हमें कृपा करके मानव शरीर दे दिया। जो ठाकुर जब जीवन दिया किसके लिए दिया है, जीवन मिला क्यों, बोले भगवान इसलिए मानव शरीर दिया भगवान की भक्ति करने के लिए, क्योंकि 84 लाख जन्म के बाद में एक ही जीवन मिला, एक जीवा मिला जिस जीवा में हम भगवान के नाम जप करते हैं, दो ही कान मिले जिसको द्वारा कथा सुन सकते हैं, दो ही हाथ दिए जिसको द्वारा ठाकुर का सेवा करते हैं, हमें दो चरण दिए जो घर से यहाँ तक आप लोग कथा सुनने के लिए आए। यहाँ पर कोई गधा आया है, कुत्ते आया, सुअर आया है, कोई नहीं आए, कौन आए, इंसान आए। अगर कोई सुअर सोचे भैया चलो ठाकुर जी की कथा हो रही है चलो सुना है, अगर ये गेट अंदर में आ जाए ना डंडा मार मार कर उसको भगाएंगे, इसका मतलब है अगर कोई गधा आ जाए कुत्ता आ जाए उसको घुसने देंगे, इसका तात्पर्य है ये मानव शरीर के सिवाय कोई भी आ करके ये सत्संग में बैठ नहीं सकता है, केवल ये सत्संग में केवल एक इंसान ही है जो कि ये सत्संग में बैठ सकता और ये कथा को सुन करके उसको समझ सकता है, और कोई समझ सकते हैं बताओ, नहीं। इसलिए हर जीव का दरवाज़ा मुक्ति का दरवाज़ा बंद है, हर जीवन का मुक्ति का दरवाज़ा बंद, केवल एक दरवाज़ा खुला हुआ ये मानव शरीर है। इसलिए हर शास्त्र में एक ही, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हैं कहते श्रुति सिद्धांत यह उरुगारी भजिए राम सब काज विसारी। जितने श्रुति पुराण उपनिषद सारे शास्त्र जोर जोर करके पुकार पुकार करके कहते हैं भजिए राम, क्या कर किसको भजन करो, राम को कृष्ण को भजन करो, सब काज विसारी सबको पीछे करके प्रभु का भजन करो। बोले क्यों, बोले खाना पीना सोना तो ये हर जीवन में कर लेंगे, ऐसे कौन सा जानवर नहीं खाता नहीं पीता नहीं सोता नहीं बच्चा जन्म नहीं देता है, सब देते हैं, सुअर तो एक एक दर्जन देता है, मेढ़ों को हजार हजार बच्चा जन्म दे देता है, कुत्ते के देखो कितने कितने बच्चे जन्म दे देते हैं एक महीना में उनको पाल लेते हैं, ये सब काम होगा लेकिन मानव शरीर के सिवाय भजन नहीं होगा। अभी अद्वैत आचार्य का मुँह से जब उन्होंने ये कथा सुने, क्या सुने, ये जीवन रहते रहते प्रभु का भजन कर लो, बोले तृणम, तृणम मतलब क्या है, बोले कल कर सो आज करो और आज कर सो अब, इसलिए पल में प्रलय होएगी बहुरी रहेगी कब, इसलिए दूसरे काम के लिए लेट करो लेकिन प्रभु का भजन के लिए लेट मत करो, क्योंकि जो निश्वास हमने छोड़ा है, निश्वास जो छोड़ा है कोई बोल सकता है दोबारा श्वास ले सकते हैं, कोई नहीं बोल सकते हैं, निश्वास नहीं वह विश्वास। और करुणा में तो देखा क्या हो गया, करुणा में देखा कोई बोलेगा ना अरे बहुत जीवन पड़ा हुआ भजन करेंगे अभी क्या, अभी अभी से भजन करने का क्या जरूरत है, जो प्रभु जी पूजा कर रहे थे ना हमारे जो प्रभु जी बैठे हैं ये जो श्यामानंद प्रभु, इनके परिवार से 3 व्यक्ति चले गए, जाने तो कितने उम्र में गए, इनका तो एक छोटा भाई था कितना 15-16 साल में गया, और एक था 26 साल में गया इनके परिवार में, और एक था 20 साल का इनके परिवार में, इनका चाचा और मामा के घर के एक बेटा एक बेटी एक बेटी, मतलब उनको सारे बच्चे वंश खत्म खत्म हो गए। अभी करुणा में ऐसे लोग गए हैं, अभी मैं जब यहाँ पर आया ना, मैं आने से पहले 2 व्यक्ति अस्थि लाए थे मैंने जमुना में, उनको विसर्जन करके आया, एक व्यक्ति ने तो बोले मैंने इसको पीछे हमने 25 लाख रुपया खर्चा किया लेकिन तब भी बचा नहीं पाया, एक ने बताया मैंने 7 लाख रुपया खर्चा कर दिया लेकिन उसको बचा नहीं पाया, कोई तो बोल रहा था एक को 40 लाख रुपया खर्चा कर दिया लेकिन उसको बचा नहीं पाया। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते तृणम मतलब क्या, कल से नहीं आज से नहीं अभी से भगवान की भजन कर लो, बस एक जीवन प्रभु का भजन कर लो। कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, हे अर्जुन अगर इसी जीवन में तुम मेरा भजन करोगे तो मेरे धाम में आओगे। बोले धाम कैसे,
बोले जत गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने से फिर ये माया के संसार में दुख कष्ट में तुम्हें आना ही नहीं पड़ेगा। स्थानं प्राप्स्वसि शाश्वतम, शाश्वत शांति परम आनंद, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ पर दुख कष्ट नहीं। इसलिए एक मैगजीन निकलता था जिसका नाम था बैक टू गॉड हेड, अपने घर में वापस चलो। बोले घर तो यही है। बोले घर नहीं तुम्हारी, ये रिफ्यूज होकर के दो दिन के लिए किरायादार रह रहे हो, ये घर पर तुम्हारी कुछ नहीं है, ये तुम्हारे घर नहीं। इसलिए इन्होंने जब उनसे कथा उन्होंने सुने ना, अद्वैत आचार्य जिस सब कथा सुने उन्होंने, एक ही कथा सारे शास्त्र का निचोड़ है, ये जीवन मिला है भजन के लिए, ये जीवन को बर्बाद मत करो, जितने जल्दी से जल्दी हो प्रभु का भजन में लग पड़ो। और एक जीवन अगर प्रभु का भजन में लगा दिया ना, बस जन्म जन्मांतर सुधर जाएगी, फिर ये माया के संसार में आना नहीं पड़ेगा और दुख कष्ट भोगना नहीं तुमको हैं। जब उन्होंने ये बात को छोड़ा ना, उन्होंने सन्यास ले लिया, साधु बन गए। अभी जब साधु बन गए, इतने में पिता माता बड़े दुखी हो गए। हर पिता माता यही चाहते वृद्धावस्था में बूढ़ापा का लकुटी बने बेटा, हमारी देखभाल करे। लेकिन बेटा जब साधु बन गए, बड़े दुखी हो गए। लेकिन अड़ोसी पड़ोसी के लोग आकर के उनको समझाए, बोले चिंता मत करो, किसकी वंश में बेटा भजन करते हैं। बोले गोष्ठी ते पुरुष जार करे सन्यासी, त्रिकोट कुलर है श्री वैकुंठ वास। सब समझा रहे हैं। बोले देखो, साधारण भाग्य से घर से लोग भजन नहीं करते हैं। कौन भजन करता है, सब समझा रहे हैं। बोले जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य उदय होगा ना, तभी किसी वंश में एक व्यक्ति भजन करेगा। गले में कंठी तिलक माला तभी पहनेगा, नहीं तो नहीं पहन सकता है। इसलिए अगर वंश में एक व्यक्ति अगर प्रभु की भजन में लग जाए, समझा रहे हैं, बोले 3 करोड़ पुरुष तुम्हारे उद्धार हो जाएंगे। जितने पूर्वज चले गए, हाथ उठा उठा करके नाचना शुरू कर देते हैं, हमारी कितने भाग्य है। बोले क्यों, हमारे वंश में लोग गले में कंठी तिलक भजन कर रहे हैं। और नरसिंह देवता प्रहलाद को बोले, जब बोले मेरे पिताजी को उद्धार कर दो, बोले पिताजी की बात क्यों, तेरे तो 21 पीढ़ी उद्धार हो गए, 21 पीढ़ी तेरे उद्धार हो गए हैं। इसलिए भक्तमाल में कहते 108 पीढ़ी उद्धार हो गए। इसलिए ये साधारण मत समझो। इसलिए भगवान का नाम कौन ले सकते हैं, भगवान खुद कहते हैं जनय पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम। बोले 100 साल पूर्व जन्म में जिसने 100 साल तक भगवान की सेवा पूजा की, तब भी इसी जीवन में उसका जीवा में प्रभु का नाम ले सकता है। इसलिए आप लोग जो गौड़ी मठ में आ रहे हो ना, तिलक कंठी पहने भजन कर रहे हो, भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बात करे, अर्जुन तन मुखे हरि नामानी सदा तिष्ठति भारत। हे अर्जुन, तभी किसकी जुहा में प्रभु का नाम उच्चारण हो सकता है। साधारण व्यक्ति को बोले हरि नाम का, बोले समय कहाँ है, टीवी देखने के लिए समय, गप्पे मारने के लिए समय, चुगली करने के लिए समय, लेकिन थोड़ा भजन करने के लिए बोले समय कहाँ है, केवल इसी के लिए समय। बोले क्यों, बोले पूर्व जन्म का पाप है, ये पाप तुमको भजन करने नहीं दे रहा है। जब नारद वाल्मीकि को बोले, बोला राम, बोला राम, बोला राम, लेकिन दशरथना करो पहले था, उसको मुंह से राम निकला नहीं राम उसको मुंह में। क्यों, पापियों को मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकलता है। दिन भर की उल्टा पुल्टा बात सब कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का नाम नहीं करेंगे। क्यों, पापियों को मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकलेगा हैं। ये तो करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य से पहले सुना ना, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जो व्यक्ति प्रभु का नाम करना शुरू करते हैं उसका 3 काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है, जोर से बोलो, क्या क्या बोलो। बोले जमपुरी में जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाता है। चित्रगुप्त कौन, सारे लिखा जोखा जो करते। बोले चित्रगुप्त कापी ले आओ, रजिस्टर ले आओ। बोले क्यों, बोले इसका नाम काट दो। बोले क्यों, बोले प्रभु का नाम कर रहा है ना, ये कभी नरक नहीं आएगा। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में आरती की थाला लेकर के सजाना शुरू करते। बोले क्यों, बोले हरि नाम कर रहा है ना, ये भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक को पार करते जब वैकुंठ लोक जाएगा, हम उसका आरती उतारेंगे ब्रह्मा जी। तीसरा काम किया, राधा रानी अपना सखी को कहती, बोले रजिस्टर ले आ। बोले किस लिए, बोले ये व्यक्ति का नाम को लिख दे। बोले क्यों, बोले ये ठाकुर का नाम ले रहा है ना,
मरने का बाद मेरे पास में आएगा, मरने का बाद वो मेरे पास में आएगा है। इसलिए यहाँ पर समझा रहे हैं, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटा सन्यासी भक्त बना मतलब है, बस तुम्हारे 3 करोड़ पूर्वज उद्धार हो गए। इसलिए दुखी मत हो, करोड़ों करोड़ जन्म का कोई सौभाग्य रहने पर तभी वंश में कोई प्रभु का भजन करते, नहीं तो भजन नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा। पुण्य होगा तो कितने मीरा हुई बताओ, कितने हनुमान, कितने तुलसीदास हुए जगत में, कितने हुए हाथ में गिनने पर आता है। इसलिए सौभाग्यवान करते हैं। अभी महाप्रभु छोटे बच्चे थे, जब परिवार रो रहे थे, महाप्रभु तो छोटे बच्चे थे, तब उन्होंने जाके माँ की गोद में बैठ गए, पिताजी की गोद में, बोले चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को जीवन देखूंगा। बड़े भाई चले गए, चैतन्य मैं तू ना, इसलिए कोई चिंता मत करो, मैं तुमको बुढ़ापा में मैं देखूंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा। छोटा बच्चा महापुरुष छोटे बच्चे थे, जब उनको माँ के आंसुओं को पोंछ दिया, बस पिता माता खुश हो गए। लेकिन जब महापुरुष थोड़ी सी बड़े हुए, महापुरुष तो कृष्ण है ना, राधा कृष्ण, इतने विद्वान, इतने धुरंधर महापुरुष पंडित थे, बड़े बड़े जो विद्वान, जब महापुरुष छोटे बच्चे थे, लेकिन जब बड़े बड़े विद्वान उनको रास्ता देखते थे, ये रास्ता में महाप्रभु आ रहे हैं ना, वो रास्ता बदला लेते थे। बोले क्यों, महाप्रभु बचपन में इतने, तो कृष्ण स्वयं ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे ना, इनकी प्रश्न सुनकर के बड़े बड़े व्यक्तियों का छक्का छोड़ जाते थे, डरते थे इनको पास में आने के लिए। बोले ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे, ऐसे बुद्धिमान महाप्रभु थे। अभी इसको बुद्धिमान को देख कर जो गंगादास पंडित, इनका जो गुरुजी, जो पहले शांति बनी ऋषि थे कृष्ण लीला में, वही गंगादास पंडित बन करके आए, है इनकी विद्वता को देख करके, इनकी बुद्धि एक बार सुना दिया है, दूसरे दिन टीका सूत्र वृत्ति को साथ में महाप्रभु बोलते थे। उनने जितने बच्चों में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बच्चे करके उन्होंने रखा। लेकिन इनकी विद्वता को देख करके ना, इनके जो पिता माता फिर डर गए। बोले क्यों, कहते बड़ा भाई जो विश्वरूप था, उसने तो सारे शास्त्र ग्रंथों को पढ़ लिया, पढ़ करके क्या समझा, संसार अनित्य है, संसार में कोई किसका है नहीं, ये तो धर्मशाला है। जैसे धर्मशाला में रुको ना, अलग अलग जगह का लोग आते हैं, बोले तू कहाँ से, कलकत्ता, बोले तू, बोले बम्बे, बोले तू, बोले माड्रास, रात को गप्पे मारे सब होते चले गए। ये संसार था एक धर्मशाला, केवल यहाँ तू कौन, बोले मेरे बीबी, बोले तू कौन, बोले तेरे मेरे पति, बोले तू कौन, बोले तेरे मेरे बेटा, बोले तू कौन, बोले मैं बेटी, ये गप्पे मार रहे हो कुछ नहीं, ये मत समझो ये बेटा बेटी स्त्री है, इसको गप्पे मार रहे हैं कुछ नहीं, चलो बैठ कर गप्पे मार रहे हैं। और जिसका समय होगा ना, जैसे ट्रेन में गए होंगे, टिकट बना करके जाते हैं, आसपास में लोग बैठते हुए होते, खूब गप्पे मारते हैं, बोले कहाँ तक, जहाँ तक तुम्हारी टिकट है, बस टिकट ख़त्म, वहीं वहीं उतर जाओ, और आगे नहीं तो फाइन देना पड़ेगा, इसलिए वहीं उतर। इसलिए कहते हैं संसार धर्मशाला है और कुछ नहीं, खाली गप्पे मार रहे हैं यहाँ पर बैठी करके, बीबी बच्चे पत्नी हैं। इसलिए जब उन्होंने सारे शास्त्र को पढ़ करके ये चीज को समझा, जीवन ये संसार एक धर्मशाला है, ये जीवन दुर्लभ, भजन करने चाहिए। कहते ये अगर शास्त्र को, ये तो भी पढ़ रहा है, ये तो बड़ा धुरंधर, ये भी शास्त्र ग्रंथ पढ़ेगा तो इसको भी पता चलेगा संसार अनित्य, ये बेटा भी साधु बन जाएगा। इसलिए भलिया भैया एक काम करो, इसको पढ़ाई पढ़ाई बंद कर दो, इसको स्कूल में मत भेजा करो, क्योंकि ये फिर साधु नहीं बन जाए। जब इनको लिखाई पढ़ाई बंद कर दिया ना, महाप्रभु तो दुखी हो गए। महाप्रभु देखना, क्लास में ना 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चे तो होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, जोर जबरदस्ती पढ़ते, और कुछ जो बच्चे होते हैं बढ़िया बच्चे, जिनकी पढ़ाई में बड़ा रुचि, क्लास में फर्स्ट क्लास होता है, अगर उनको पढ़ाई करने के लिए मना करो ना, बड़ा दुखी हो जाते हैं। महाप्रभु तो हैं, ये तो बढ़िया बच्चे थे, जब उनका पढ़ाई पढ़ाई बंद कर, इतने दुखी हो गए। फिर तो उसको बाद में क्या लीला किया हम फिर कल सुनेंगे, उन्हें कैसे दुखी होकर के फिर वो क्या लीला करते हैं। ठीक है, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, काली करो, ठीक है, बहुत राती हो गया। इसलिए आप लोग क्या करना, भजन करो सबके सब, समय को बर्बाद मत करो, और रोज़ कथा में आना, ठीक है ना, सब कथा में आना रज। और जो बच्चियों ने जो कापी लिए हो, इसलिए दिए हैं, जैसे तुम लोग भगवान के बारे में भी पढ़ो सुनो, और जैसे राखी दीदी ने बढ़िया कथा सुनाई ना, हैं, इसलिए ये बात समझो कि बोले ये बालक लोग ही भगवान की कथा प्रचार कर सकते हैं। अब टीवी में देखना किशोरी, एक को ना जया किशोरी, और एक चित्रलेखा, नाम सुने वो, देखा थे, देखो कैसे कथा किया, सारा दुनिया में एकदम प्रसिद्ध हो गए। इसलिए ये मत समझो कि लड़के लोग ही, पुरुष लोग ही कथा प्रचार करते, नहीं, लड़कियाँ बहुत बड़े बड़े पोस्टों में, अभी तो लड़कियाँ लड़कों से भी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में उसी ज़्यादा होते हैं,
ठीक है ना, इसलिए अच्छे तरह से पढ़ो। और हमारे जब हमारे मथुरा में हम थे ना, हमारे बड़े गुरु जी की एक एक लड़कियाँ जो लिखी पढ़ी गुरु जी के पास में आते थे, अभी उसमें दो लड़कियाँ हैं जो कि भागवत कथा करते हैं, उसको कभी हम यहाँ बुलाएंगे, भागवत कथा में सुनाओगे, वो कैसी कथा करती है बच्ची हैं। वो पहले प्रोफेसर थी लेकिन शादी शुदी नहीं किया, और इतने गुरु जी कथा को सुने, इतनी सुंदर कथा करती हैं, कभी होगा तो इसको हम बुलाएंगे यहाँ कथा करेंगे। और ठीक है, और हमारे और जो कुछ उसी लड़कियाँ अगर कहीं शादी होकर कहीं गए ना, कहीं भी शादी होकर गई, जहाँ शादी होकर गए उनका पूरा परिवार उसने बदला दिया, पूरा बदला तो बदला या जहाँ गई वहाँ भी प्रभु का भक्ति करना शुरू कर दिया और सबको भगवान की भक्ति के बारे में बताना शुरू कर दिया। ठीक है ना, अच्छे तरह से पढ़ो और अच्छे तरह से सीखो, और जहाँ जाओ महाप्रभु का कथा प्रचार करो, गुरु जी का नाम ऊंचा करो। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भैया आज क्या प्रसाद दे रहे हो? ए दही बड़ा और केले का ये बनाया। हाँ क्या केले का क्या होते बनाना शेक भी बनाया। ए बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिल रहा है। ठीक है सबके से, इसलिए हम लोग सबके से प्रसाद लेकर जाना। ठीक है, बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे। सब बच्चे बच्चे ताली बजाते हैं, कितने सब घुमा देना। राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। सब बोलो जोर जोर से कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे
हरी 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 हरी। हाँ देखो आज हमारे उड़ीसा में ना एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जानते हो, उसको कहते रज कहते हैं। रज मतलब है जो लड़कियां हैं जो शादी करके गई है नई नई, वो अपना घर में अपना पीहर में वापस आती हैं और पेड़ में बड़े सुंदर झूला लगाते हैं। और उधर अभी इधर तो मानसून अभी आया नहीं, उधर भी मानसून आ गया, बारिश होने लगती है। और वो लोग झूला में ना जो लड़कियां झूला में बैठ करके बड़े सुंदर झूला झूलते हैं। और आज हमारी उधर कैसे पिठा पाना जो केक जैसे होता है ना, उधर अलग अलग चीज़ की चीज़ बनती हैं, बनकर लोग बड़े आनंद से आज खाते हैं। और कटहल इधर तो कटहल आप लोग कच्चा ज़्यादा खाते हो, लेकिन हमारे उधर तो लोग कटहल कच्चा ज़्यादा नहीं खाते हैं, वो पका हुआ कटहल ज़्यादा खाते हैं। कच्चा खाते हैं बहुत कम खाते हैं, लेकिन पका हुआ कटहल को ज़्यादा खाते हैं। और आम कटहल और बढ़िया बढ़िया आज हमारे उड़ीसा में बहुत बड़ा फेस्टिवल है जिसको कहते हैं रज, जिसको कहते हैं रज, जिसको कहते हैं बड़ा फेस्टिवल आज हो रहा है। हाँ जगन्नाथ जी को बड़े सुंदर सुंदर भोग लगता है, पिठा पना जगन्नाथ जी को भोग लगता है। भैया आज ये दही बड़ा किसने दिया है, किसने दिया है? हाँ क्या नाम उसका भाई, बोलो क्या नाम, क्या नाम? हाँ आज प्रभु अरुणन प्रभु ने दही बड़ा बनाकर आप लाया, उसका ताली बजाओ। इसकी नई शादी हुई, बहू भी आई है तुम्हारी, कहाँ है बहू? ठीक अच्छी बात, जा आप लोग हाँ ठीक है, जा आप लोग, आप लोग सब प्रसाद लेकर जाना, ठीक है। जय वंदे।